मॉर्निंग एवरीवन। मैं बहुत दिनों से डिसाइड कर रहा था और प्लान कर रहा था कि यार एडमार से अगर मैं रॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो थोड़ी दिक्कत होती है, और क्योंकि उसका हैंडल स्पोर्टी है, इस वजह से मैं काफी दिन से सोच रहा था कोई क्रूज बाइक हो तो उसे ले लूँ, उसे एक्सचेंज करके इधर कोई इसी प्राइस में अगर सेम रेट में कोई मिल जाता है तो मैं बाइक ले लेता हूँ, या फिर अगर कोई एक्सचेंज करता है तो मैं एक्सचेंज भी कर लूँ। सो फाइनली मुझे एक ओएलएक्स पे बहुत अच्छा बंदा मिला है, उसका नाम फिरोज है। तो कल मेरी बात हुई थी और अभी सुबह करीब 9:30-10:30 हो रहा है और वो मुझे बुला रहे हैं यहाँ से सूरजपुर के आसपास, देन उनके घर के पास। सो उनका एवेंजर है दिसंबर 2016 मॉडल, मेरे इस जैकेट के कलर का। तो चलो वहां पे चलते हैं, देखता हूँ अगर अच्छा लगता है तो मैं उससे एक्सचेंज कर लूंगा। वैसे मैंने ZMR से भी कई ट्रिप मारी हैं, कई ट्रिप करी हैं, बट मैंने उनके वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कभी वॉइस की दिक्कत होती थी, क्योंकि कैमरे में वॉइस नहीं आ रहा था, तो कभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया था तो वो कुछ वीडियोस चली लॉस हो गई थी। इन फ्यूचर अगर मैं उसको रिकवर कर लेता हूँ और मेरे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे तो मैं जरूर चैनल पर डालूंगा। और अब आने वाली मेरी जितने भी मोटर ब्लॉगिंग होगी, मेरे जो नई एक्सचेंज कर रहा हूँ फिरोज जी के साथ, इसमें बनाऊंगा, और होप इन गर्मियों में मैं अच्छे से अच्छा ट्रिप करूंगा इस बाइक से, एंड जाके देखते हैं क्या बाइक की कंडीशन है वगैरह। चलो चलते हैं। फाइनली मैं दादरी आ गया हूँ फिरोज भाई के यहाँ। हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाइक को हम एक्सचेंज कर रहे हैं सेम वैल्यू पे। मैं भी गाड़ी अपनी वही दे रहा था और भाई भी दे रहे हैं। इनकी बाइक में कुछ इन्होंने अच्छा लाइट वगैरह लगवा रखा था तो रेड कलर कर दिया था। घर में ही ये हल्का मैकेनिक गिरी कर लेते हैं, हेडलाइट के जो कवर थे उसको चेंज कर रहे रंग में। और ये मेरी बाइक खड़ी है जो मैंने अमित जी से ली थी। सो अमित जी, आई विल सेल दिस वीडियो विद यू एज वेल। मैकेनिक रिजवान कह रहा था कि मेरी बाइक के बदले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेने के लिए, बट दोनों सेम ही ईयर के हैं, बल्कि ये दिसंबर 2016 का है और मेरा जुलाई का है। सो ठीक है, बट भाई ने थोड़ा अच्छे से बहुत चलाया है, क्योंकि शौकीन है बाइक के इस वजह से। अपने बाइक की हॉर्न और लाइटें वाइटे सब निकाल के ले ले रहे हैं। नहीं भाई, जो दे है वो से है। हाँ ले लो, मैंने कहा चलो ले लो यार, क्योंकि मेरे को भी लेकिन ये है कि मैं भी अपने हेडलाइट जो लगाया हुआ है मैंने टेल लैम्प, वो मैं अपना निकलवाऊंगा और अपने में लगवाऊंगा जो भी हो, बट बहुत केयरिंग से रखा हुआ है भाई ने बाइक को। बाइक अभी इनकी भी फाइनेंस में थी जो कि लास्ट मंथ क्लियर हो गया फाइनेंस, और इसका NOC मुझे भाई मेरे घर पे आके दे देंगे बोल रहे हैं, एंड जो मेरे वाले का पेपर है वो पेपर भी मेरे को घर पे आ गया। तो हम लोग अभी दादरी तहसील वहाँ आए हुए थे और आज संडे है, याद नहीं था इस वजह से पेपर्स जो नहीं मिल पाया, बट भाई कल आएंगे मेरे यहाँ पे, यानी नोएडा NTPC के पास, आप हम लोग पेपर वर्क करवा लेंगे, बट गाड़ी हम रख रहे हैं और विश्वास पे दुनिया टिकी है इस वजह से। तो ठीक है फिरोज भाई, ठीक है भाई, ठीक है। मैं जा रहा हूँ भाई की बाइक लेके, भाई जा रहे हैं मेरी बाइक लेके यहाँ से, बाकी जो इसके डॉक्यूमेंट से मैं इनको घर पे दे दूँ। तो मैं बाइक फिरोज से एक्सचेंज करके आ गया हूँ यहाँ पे अपने रिजवान के पास, एंड चलो इस ब्लॉग को मैं ही खत्म करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।